पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, ये जानते हुए भी स्मॉल इन्वेस्टर्स बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं पेनी स्टॉक्स में। कुछ पेनी स्टॉक्स ने डिजायरेबल रिजल्ट्स शायद दिए हो पास्ट में, जिनसे आकर्षित होकर कई लोग इनमें निवेश कर लेते हैं। अगर आपको भी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो कुछ रूल्स माइंड में रखने होंगे। वेल, मैं हूं सीए मीरांका और आज के वीडियो में बात करते हैं अबाउट कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल बाइंग पेनी स्टॉक्स। वीडियो में एंड तक बने रहें और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स से। इन्वेस्टिंग लार्ज अमाउंट्स एंड लार्ज क्वांटिटीज। पेनी स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो साइज के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से 10 लाख रुपीज का है और 5 लाख स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पेनी स्टॉक्स में 50,000 होना चाहिए टू अवॉइड टेकिंग टू मच रिस्क। सिंपल भाषा में कहूं, देन इन्वेस्ट ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। ध्यान रहे कि डाइवर्सिफिकेशन वाला प्रिंसिपल यहाँ काम नहीं करेगा। 10 टू 12 पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, उससे बेटर होगा टू चूज अ हैंडफुल ऑफ स्क्रिप्ट्स। जैसे 2-3 स्टॉक्स को मॉनिटर करना भी इजी होता है, अनलाइक मैनेजिंग 10 टू 12 लो प्राइस्ड स्टॉक्स। इन्वेस्टिंग एंड फॉरगेटिंग। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के हिसाब से होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। अगर कोई स्टॉक में शार्प राइज दिखे तो एग्जिट ले लीजिए या एटलीस्ट 5 प्रॉफिट्स बुक कर लें। अगर आप टैक्स बचाने के चक्कर में ईयर एंड का वेट करेंगे, पॉसिबल है स्टॉक नीचे आ सकता है। एक टारगेट सेट करें और अचीव होने पर एग्जिट भी करें, मतलब डू नॉट होल्ड पेनी स्टॉक्स फॉरएवर। नेक्स्ट, ट्राइंग टू एवरेज परचेसेस। अगर आपने कोई स्टॉक 5 रुपए पर बाय किया है और अब वो 3 रुपए में मिल रहा है, तो एवरेज करके अपनी क्वांटिटी ना बढ़ाए। एक ही प्राइस पर अड़े ना रहे और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी गलत हो तो स्टॉक से एग्जिट करके लॉसेस बुक कर लें। इनफैक्ट हम एवरेज इंप्रूव कर सकते हैं बाय सेलिंग द शेयर्स व्हेन प्राइस इज मूविंग अप रादर देन बाइंग व्हेन प्राइस फॉल्स डाउन। चेंजिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन पास्ट सक्सेस। स्मॉल इन्वेस्टर्स हु मेक अर्ली गेन्स भावुक हो जाते हैं और उसी चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस में मिस्टेक्स करने लगते हैं। एक डिफाइंड स्ट्रेटजी को अपनाएं, टारगेट्स और SL को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और ऊपर बताए मिस्टेक्स को अवॉइड करें इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। और भी कई मिस्टेक्स हैं, जैसे नॉट परफॉर्मिंग टेक्निकल एनालिसिस, बाइंग स्टॉक्स विद नो वॉल्यूम, नॉट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट डायनामिक्स, नॉट नोइंग व्हेन टू विथड्रॉ एंड सो ऑन। फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक्स कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिस्की एट द सेम टाइम, पर आप इन रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं बाय अवॉइडिंग द अबव मेंशनड कॉमन मिस्टेक्स। याद रहे कि डिसिप्लिन और ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी है टू मिटिगेट रिस्क एंड अवॉइड फाइनेंशियल लॉसेस। वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट्स में बताएं और जाने से पहले एंजल वन को सब्सक्राइब कर लें। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।